हाँ बच्चा बोलो, कहें चाचा ये एनआरसी क्या है, लोग कह रहे हमको भगा देंगे, हटा देंगे, निकाल देंगे यहाँ से। अब हमने कोई मायका लाल नहीं निकालेगा, कौन निकालेगा? ये देश हमारा, हमारे बाप का है, कोई निकाल कर तो दिखा यहाँ से, कोई नहीं निकाल सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, 7 सालों से इनकी सरकार चली, क्या क्या दिन देखने पड़े आप सब लोग को मालूम है, क्या क्या दिन आप लोग अभी तक देख रहे हैं, अभी वक्त तक देख रहे हैं। तो लिहाजा आप लोग अभी वक्त हैं, शायद आपको मालूम है कि नहीं मालूम, 8 डीजल और पेट्रोल के भाव और बढ़ गए 4 दिन लगातार। आप लोग को कितने मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोचिए क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, कहाँ तक लेके जाएंगे हम लोग को, किधर लेके जाएंगे। तो अब आप मौका आ चुका है इस विधानसभा में हम लोग को माननीय बहन जी का साथ देने का, उनको मजबूत करने का, ताकि हम उनको मुख्यमंत्री बना सके। वो तभी मुमकिन है जब आप लोग का कीमती वोट हम लोग को मिले। और बहन जी हमारे सर समाज के लिए काम करती है, कोई हिंदू मुसलमान और ये वो तू मैं कुछ नहीं है, कोई चक्करबाजी नहीं है। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि कृपा करके हम तो मैं एक बात और छोटी सी कहना चाहता हूँ कि अभी एनआरसी वाली बात हुई थी बहुत दिन पहले, लोग एनआरसी राज चिल्ला रहे थे। मेरा भतीजा मेरे पास आया, कहना चच्चा चच्चा हमने, हाँ बच्चा बोलो, कहें चच्चा ये एनआरसी क्या है, लोग कह रहे हमको भगा देंगे, हटा देंगे, निकाल देंगे यहाँ से। अब हमने कोई मायका लाल नहीं निकालेगा, कौन निकालेगा? ये देश हमारा, हमारे बाप का है, कोई निकाल कर तो दिखा यहाँ से, कोई नहीं निकाल सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, 7 सालों से इनकी सरकार चली, क्या क्या दिन देखने पड़े आप सब लोग को मालूम है, क्या क्या दिन आप लोग अभी तक देख रहे हैं, अभी वक्त तक देख रहे हैं। तो लिहाजा आप लोग अभी वक्त हैं, हम लोग सही जगह सही राह सही जगह पे आ जाएं। और रही बात समाजवादी पार्टी वाले और मुसलमान का तंग करिए कहते, मैं मुसलमानों का साथी हूँ। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, बड़े सभा में, बड़े लोकसभा में माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो मुखिया है, अभी सरगना है, उसके संरक्षक है, सॉरी उसके संरक्षक, वो कहते हैं मोदी जी से, मोदी जी मैं तो अब आपको दूसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। उसका मतलब क्या है, वो क्यों देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री दोबारा? नहीं देखना चाहिए उनको, नहीं बोलना चाहिए, मुसलमानों के साथ धोखा है, ये विश्वासघात है, और मुसलमान मुसलमान करते हैं, ये लोग बात करते हैं। खैर आए हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। बाकी बातें इंशाल्लाह बाद में की जाएंगी, बहुत ढेर सारी बातें हैं। अब बहन जी के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, जो उन्होंने मुस्लिम समाज में क्या क्या किया, उन्होंने यहाँ पर मदरसे क्या क्या नहीं किया, मदरसे को बनवाए उन्होंने, मदरसों की मान्यता दी, बहुत कुछ किया। ख्वाजा सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह की यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी आए रोड पे कायम की है, वो भी मेहनत बहन जी ने किया है, और किसी मायके लाल ने नहीं किया है। तो लिहाजा मैं कहना चाहता हूँ आप लोग आके बोले मुसलमान उर्दू ये सब मत देखिए, सापा क्या कर रही है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत परेशान है, 7 साल से इतना दुखी हो गए हैं कि जिंदगी तंग हो गई है। गुना शायद आपको मालूम है कि नहीं मालूम, 8 डीजल और पेट्रोल के भाव और बढ़ गए 4 दिन लगातार। आप लोग पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोचिए क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, कहाँ तक लेके जाएंगे हम लोग को, किधर लेके जाएंगे। तो अब आप मौका आ चुका है इस विधानसभा में हम लोग को माननीय बहन जी का साथ देने का, उनको मजबूत करने का, ताकि हम उनको मुख्यमंत्री बना सके। वो तभी मुमकिन है जब आप लोग का कीमती वोट हम लोग को मिले। अब बहन जी हमारे सर समाज के लिए काम करती है, कोई हिंदू मुसलमान और ये वो तू मैं कुछ नहीं है, कोई चक्करबाजी नहीं है। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि कृपा करके हम तो मैं एक बात और छोटी सी कहना चाहता हूँ कि अभी एनआरसी वाली बात हुई थी बहुत दिन पहले, लोग एनआरसी राज चिल्ला रहे थे। मेरा भतीजा मेरे पास आया, कहना चच्चा चच्चा हमने, हाँ बच्चा बोलो, कहें चच्चा ये एनआरसी क्या है, लोग कह रहे हमको भगा देंगे, हटा देंगे, निकाल देंगे यहाँ से। अब हमने कोई मायका लाल नहीं निकालेगा, कौन निकालेगा? ये देश हमारा, हमारे बाप का है, कोई निकाल कर तो दिखा यहाँ से, कोई नहीं निकाल सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, 7 सालों से इनकी सरकार चली, क्या क्या दिन देखने पड़े आप सब लोग को मालूम है, क्या क्या दिन आप लोग अभी तक देख रहे हैं, अभी वक्त तक देख रहे हैं। तो लिहाजा आप लोग अभी वक्त हैं, हम लोग सही जगह सही राह सही जगह पे आ जाएं। और रही बात समाजवादी पार्टी वाले और मुसलमान का तंग करिए कहते, मैं मुसलमानों का साथी हूँ।
मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, बड़े सभा में, बड़े लोकसभा में माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो मुखिया है, अभी सरगना है, उसके संरक्षक है, सॉरी उसके संरक्षक, वो कहते हैं मोदी जी से, मोदी जी मैं तो अब आपको दूसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। उसका मतलब क्या है? वो क्यों देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री दोबारा? नहीं देखना चाहिए, उनको नहीं बोलना चाहिए, मुसलमानों के साथ धोखा है, ये विश्वासघात है, और मुसलमान मुसलमान करते हैं, ये लोग हैं बात करते हैं। खैर, आए हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। बाकी बातें इंशाल्लाह बाद में की जाएंगी, बहुत ढेर सारी बातें हैं। अब बहन जी के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, तो उन्होंने मुस्लिम समाज में क्या क्या किया, उन्होंने यहाँ पर मदरसे क्या क्या नहीं किया, मदरसे को बनवाए उन्होंने, मदरसों की मान्यता दी, बहुत खुश किया। ख्वाजा सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह की यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी आयम रोड पर कायम की है, वो भी मैंने बहन जी ने किया है और किसी माई के लाल ने नहीं किया है। तो लिहाजा मैं कहना चाहता हूँ आप लोग आगे बोले, मुसलमान हिंदू ये सब मत देखिए, सापा क्या कर रही है, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत परेशान है, 7 साल से इतना दुखी हो गए हैं कि जिंदगी तंग हो गई है। गुना शायद आपको मालूम है कि नहीं मालूम, आज डीजल और पेट्रोल के भाव और बढ़ गए 14 दिन लगातार, आप लोग पता नहीं मालूम है कि मालूम है, मालूम है, तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोचिए क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, कहाँ तक ये लेके जाएंगे हम लोग को, किधर लेके जाएंगे। तो अब आप मौका आ चुका है इस विधानसभा में हम लोग को माननीय बहन जी का साथ देने का, उनको मजबूत करने का, ताकि हम उनको मुख्यमंत्री बना सके। वो तभी मुमकिन है जब आप लोग का कीमती वोट हम लोग को मिले। अब बहन जी हमारे सर समाज के लिए काम करती है, कोई हिंदू मुसलमान और ये वो तू मैं कुछ नहीं है, कोई चक्करबाजी नहीं है। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि कृपया करके हम तो मैं एक बात और छोटी सी कहना चाहता हूँ कि अभी एनआरसी वाली बात हुई थी बहुत दिन पहले, लोग एनआरसी राज चिल्ला रहे थे, मेरा भतीजा मेरे पास आया, कहना चच्चा चच्चा हमने, हाँ बच्चा बोलो, कहें चच्चा ये एनआरसी क्या है, लोग कह रहे हमको भगा देंगे, हटा देंगे, निकाल देंगे यहाँ से। अब हमने कोई माई का लाल नहीं निकालेगा, कौन निकालेगा, ये देश हमारा, हमारे बाप का है, कोई निकाल कर तो दिखाए यहाँ से, कोई नहीं निकाल सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ 7 सालों से इनकी सरकार चली, क्या क्या दिन देखने पड़े आप सब लोग को मालूम है, क्या क्या दिन आप लोग अभी तक देख रहे हैं, अभी वक्त तक देख रहे हैं। तो लिहाजा आप लोग अभी वक्त है हम लोग सही जगह सही राह सही जगह पे आ जाए। और रही बात समाजवादी पार्टी वाले और मुसलमान का तमगा लिए कहते हैं, मैं मुसलमानों का साथी हूँ, मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, बड़े सभा में, बड़े लोकसभा में माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो मुखिया है, अभी सरगना है, उसके संरक्षक है, सॉरी उसके संरक्षक, वो कहते हैं मोदी जी से, मोदी जी मैं तो अब आपको दूसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। उसका मतलब क्या है? वो क्यों देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री दोबारा? नहीं देखना चाहिए, उनको नहीं बोलना चाहिए, मुसलमानों के साथ धोखा है, ये विश्वासघात है, और मुसलमान मुसलमान करते हैं, ये लोग हैं बात करते हैं। खैर, आए हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। बाकी बातें इंशाल्लाह बाद में की जाएंगी, बहुत ढेर सारी बातें हैं। अब बहन जी के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, तो उन्होंने मुस्लिम समाज में क्या क्या किया, उन्होंने यहाँ पर मदरसे क्या क्या नहीं किया, मदरसे को बनवाए उन्होंने, मदरसों की मान्यता दी, बहुत खुश किया। ख्वाजा सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह की यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी आयम रोड पर कायम की है, वो भी मैंने बहन जी ने किया है और किसी माई के लाल ने नहीं किया है। तो लिहाजा मैं कहना चाहता हूँ आप लोग आगे बोले, मुसलमान हिंदू ये सब मत देखिए, सापा क्या कर रही है, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत परेशान है, 7 साल से इतना दुखी हो गए हैं कि जिंदगी तंग हो गई है। गुना शायद आपको मालूम है कि नहीं मालूम, आज डीजल और पेट्रोल के भाव और बढ़ गए 14 दिन लगातार, आप लोग पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है, मालूम है, तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोचिए क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, कहाँ तक ये लेके जाएंगे हम लोग को, किधर लेके जाएंगे। तो अब आप मौका आ चुका है इस विधानसभा में हम लोग को माननीय बहन जी का साथ देने का, उनको मजबूत करने का, ताकि हम उनको मुख्यमंत्री बना सके। वो तभी मुमकिन है जब आप लोग का कीमती वोट हम लोग को मिले। अब बहन जी हमारे सर समाज के लिए काम करती है, कोई हिंदू मुसलमान और ये वो तू मैं कुछ नहीं है, कोई चक्करबाजी नहीं है। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि कृपया करके हम तो मैं एक बात और छोटी सी कहना चाहता हूँ कि अभी एनआरसी वाली बात हुई थी बहुत दिन पहले, लोग एनआरसी राज चिल्ला रहे थे,
मेरे भतीजा मेरे पास आया, कहने चच्चा चच्चा, हमने कहा बच्चा बोलो, कहीं चच्चा ये एनआरसी क्या है, लोग कह रहे हमको भगा देंगे, हटा देंगे, निकाल देंगे यहाँ से। अब हमने कोई मायका लाल नहीं निकालेगा, कौन निकालेगा, ये देश हमारा, हमारे बाप का है, कोई निकाल कर तो दिखाए यहाँ से, कोई नहीं निकाल पा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, 7 सालों से इनकी सरकार चली, क्या क्या दिन देखने पड़े आप सब लोग को मालूम है, क्या क्या दिन आप लोग अभी तक देख रहे हैं, अभी वक्त तक देख रहे हैं। तो लिहाजा आप लोग अभी वक्त हैं, हम लोग सही जगह सही राह सही जगह पे आ गए हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी वाले और मुसलमान का तमगा लिए टहलते, मैं मुसलमानों का साथी हूँ, मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, बड़े सभा में, बड़े लोकसभा में माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो मुखिया है, अभी सरगना है, उसके संरक्षक है, सॉरी उसके संरक्षक, वो कहते हैं मोदी जी से, मोदी जी मैं तो अब आपको दूसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। उसका मतलब क्या है, वो क्यों देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री दोबारा, नहीं देखना चाहिए उनको, नहीं बोलना चाहिए, मुसलमानों के साथ धोखा है, ये विश्वासघात है, और मुसलमान मुसलमान करते हैं, ये लोग हैं बात करते हैं। खैर आए हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक दिल से बधाई देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। बाकी बातें इंशाल्लाह बाद में की जाएंगी, बहुत ढेर सारी बातें हैं। अब बहन जी के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, तो उन्होंने मुस्लिम समाज में क्या क्या किया, उन्होंने यहाँ पर मदरसे क्या क्या नहीं किया, मदरसे को बनवाए उन्होंने, मदरसों की मान्यता दी, बहुत कुछ किया। ख्वाजा सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह की यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी आयम रोड पे कायम की है, वो भी मैंने बहन जी ने किया है और किसी माइक लाल ने नहीं किया है। तो लिहाजा मैं कहना चाहता हूँ आप लोग आगे बोले, मुसलमान हिंदू ये सब मत देखिए, सापा क्या कर रही है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत परेशान है, 7 साल से इतना दुखी हो गए हैं कि जिंदगी तंग हो गई है। गुना शायद आपको मालूम है कि नहीं मालूम, 8 डीजल और पेट्रोल के भाव और बढ़ गए 14 दिन लगातार, आप लोग पता नहीं मालूम है कि मालूम है तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोचिए क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, कहाँ तक ये लेके जाएंगे हम लोग को, किधर लेके जाएंगे। तो अब आप मौका आ चुका है इस विधानसभा में हम लोग को माननीय बहन जी का साथ देने का, उनको मजबूत करने का, ताकि हम उनको मुख्यमंत्री बना सके। वो तभी मुमकिन है जब आप लोग का कीमती वोट हम लोग को मिले। अब बहन जी हमारे सर समाज के लिए काम करती है, कोई हिंदू मुसलमान और ये वो तू मैं कुछ नहीं है, कोई चक्करबाजी नहीं है। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि कृपया करके हम तो मैं एक बात और छोटी सी कहना चाहता हूँ कि अभी एनआरसी वाली बात हुई थी बहुत दिन पहले, लोग एनआरसी राज चला रहे थे, मेरा भतीजा मेरे पास आया, कहने चच्चा चच्चा, हमने कहा बच्चा बोलो, कहीं चच्चा ये एनआरसी क्या है, लोग कह रहे हमको भगा देंगे, हटा देंगे, निकाल देंगे यहाँ से। अब हमने कोई मायका लाल नहीं निकालेगा, कौन निकालेगा, ये देश हमारा, हमारे बाप का है, कोई निकाल कर तो दिखाए यहाँ से, कोई नहीं निकाल पा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, 7 सालों से इनकी सरकार चली, क्या क्या दिन देखने पड़े आप सब लोग को मालूम है, क्या क्या दिन आप